शिल्पा शिंदे का बड़ा आरोप, सिद्धार्थ ने दी थी एसिड फेंकने की धमकी। नमस्कार, बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। बिग बॉस 13 के फिनाले से पहले शिल्पा ने बताया था कि वह सिद्धार्थ को डेट कर चुकी है। सिद्धार्थ के साथ उनका रिलेशनशिप काफी मुश्किलें भरा रहा था। सिद्धार्थ काफी गाली गलोच और मारपीट करते थे। शिल्पा ने सिद्धार्थ संग बातचीत का एक पुराना वीडियो भी लिंक किया था, जिसमें सिद्धार्थ एक्ट्रेस को भला बुरा कह रहे थे। लेकिन अब जब सिद्धार्थ सीजन 13 के विजेता बन गए हैं, तो शिल्पा ने एक एक्टर को लेकर और भी बड़े खुलासे किए हैं। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिद्धार्थ ने उन पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी थी। शिल्पा ने सिद्धार्थ संग अपने रिलेशन का सच बताते हुए कहा, सिद्धार्थ पॉजेसिव थे। जब हम रिश्ते में थे, तब अगर मैं उसका फोन नहीं उठाती थी तो वो मुझे गालियां देता और आपातजनक टिप्पणी कराता था। लेकिन जब सिद्धार्थ का खुद का को भी फोन बंद होता था और इस पर मैं उन्हें सवाल करती तो मुझे सामने से 4 थप्पड़े पड़ती थी, गालियां सुनने को मिलती थी। जितना बुरा हो सकता था वो होता था, मगर मैं चुप नहीं रही थी। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई हुई, क्योंकि उसने मुझे कहा था, मुझे छोड़कर दिखाओ, मैं मुंह पर एसिड फेंक दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, मारपीट हुई। शिल्पा ने कहा, मैंने सिद्धार्थ की माँ को ये बात बताई थी, कहा था कि मैं ये बात काफी आगे तक लेकर जाऊंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो सिद्धार्थ को समझा ले, इसे बंद कर दो। शिल्पा शिंदे से जब पूछा गया कि वो क्यों इस वक्त सिद्धार्थ की सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आई है, जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि वह नहीं चाहती सिद्धार्थ जैसा इंसान बिग बॉस 13 जीते और किसी डिजर्विंग शख्स का हक मारा जाए। शिल्पा शिंदे ने यह भी कहा कि अगर मेकर्स और बिग बॉस की क्रिएटिव टीम सिद्धार्थ जैसे इंसान को शो जिताती है, तो वो अपने बिग बॉस 11 की ट्रॉफी वापस करने के लिए तैयार है। शिल्पा शिंदे ने इस सनसनीखेज आरोपों पर अभी सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। मालूम हो सिद्धार्थ का नाम कई टीवी एक्ट्रेस संग जुड़ चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।